तो दोस्तों आज भाविका की पूजा करवाएंगे हम। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, तैयारी हो चुकी है, मैं रेडी हो चुका हूँ, कुर्ता पहन लिया अपने ने। तो अभी वहाँ जाके आपको पूरी डिटेल में बताएंगे, पंडित जी से पूछेंगे, सवाल जवाब होंगे उनसे कि ये पूजा किस लिए होती है, क्यों होती है और क्या है इसका हमारे को लाभ होगा। तो चलते हैं अभी, गाय का दूध लेने हैं, प्योर ओरिजिनल, नो मिक्स पानी। तो चलो लेते हैं और चलते हैं। कभी बाप झुक जाता है कि बेटी ऐसा मत कर। मेरे पास कल एक लड़की आई तो उनके दोनों आदमियों में बिल्कुल पटड़ी नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कहते हैं कि मतलब ये भी नहीं कि वो कैसे जी होगी उस घर में, मुझे पता नहीं है। तो उस लड़की ने मुझे एक कहा कि मेरा आदमी तो ठीक नहीं था लेकिन जिंदगी भर मेरे सास और ससुर बहुत बढ़िया रहे, सास और ससुर मेरी बहुत बढ़िया रहे। बोलो मेरा मन ही नहीं करा कि इनको छोड़ के कहीं जाऊं मैं, भले भले पति के साथ खटपटी रही गई पूरी जिंदगी भर। अब कह रही थी कि सास भी चले गए ससुर भी चले गए, मैं जीऊंगी कैसे। बोला तो मैंने कहा तेरे बच्चे हो गए उनसे जी, लेकिन घरों को तबाह मत करो, अब दे लेते। गाय का दूध ले लिया है, चलिए दही भी हो चुकी है, बछड़ा चिल्ला रहा है कि उसको भी दूध पीना है। चलो तो हम आ गए हैं पूजा पाठ कराने के लिए भाविका की, तो मंदिर में आ गए हैं, तो अब पूजा स्टार्ट होती है, अंदर चलते हैं। अब या माता मधुकैटव प्रमथनीया
यार कबीरा सने सको सुमन सुंपदय चदरनिया सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नौ कोटि शक्ति सहिता मा पातु भी श्री स्वयं भगवती श्री जगदम्बिकाय नमः ओम भगवान श्री विष्णवे नमः नमाय नमाधराय नमः आवाय नमः सोमाय नमः मंगलाय नमः निराय नमः प्रदूषाय नमः प्रवासाय नमः दुर्वाष्टनारायणाय नमः दिव्यवस्त्रादिगदेहादिगमाला विभूषितं वसनशो शुक्ल चतुर्दशी तिथो अश्लेषा नाम नक्षत्र शोभन योगे पंचकरणे शुक्रवासरे सूर्य कुंभ राशि मध्य चंद्र कर्क राशि मध्य मकर राशि मध्य मंगल मकर राशि मध्य बुध अद्या मेष राशि मध्य बृहस्पति मकर राशि मध्य शुक्र कुंभ राशि मध्य शनि मीन राशि मध्य राहु कन्या राशि मध्य केतु मिन्नादि मेघ पर्यंत मेघादि मिन्न पर्यंत मंगला पिंगला धान्या भ्रमरी भद्रिका उलिका सिद्धा संकटा राजकृत ग्रहे कृत सर्व बाधा निवृत पूर्वकम नैर्ज्य दीर्घाय धन पुष्टि कामनार्थ हेतु अद्यंतर्गतेन मिन्न मध्ये मेघ पर्यंत मेघ मध्ये मिन्न पर्यंत मंगला पिंगला धान्या भ्रमरी भद्रिका उलिका सिद्धा संकटा राजकृत ग्रहे कृत सर्व बाधा निवृत्ति पूर्वकम नैर्ज्य दीर्घायु धन पुष्टि कामनार्थ हेतवे अद्यंतर्गत हेनम च यजमानस्य श्रीमान रणजीत सिंह जी ब्रह्मणो स धर्म पत्रिकायां च ज्येष्ठ बालकस्य द्वितीय बालकस्य ज्येष्ठ पुत्र वधूः कनिष्ठ पुत्र वधूः ज्येष्ठ पौत्री पौत्र द्वितीय पौत्री सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अखिल कुटुंब बंधु बांधव इष्ट मित्र सहितं भगवान रुद्राभिषेक कर्मं च संकल्पित कार्य सिद्ध्यार्थम अहम करिष्येत कृष्ण नारायण ओम नमस्ते रुद्र मन्वावतोतये कवये नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिव तनु रघोरा पाप का शिवेन वचसा त्वा गिरिसा च वदामसि यथा मां सर्वमि जगत् क्षमां सोमना असदः मध्यभोजदलिवटा प्रथमोदय द्योभिककाहि च सर्वाजं भयां सर्वाच जातिधान्योधराशीः पराशुभः असोजस्ताम्रोहरुद्रभो सुमङ्गलः
तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।
तेरी कृपा बनी रहे जिंदगी। अब तुम खा रहे हो पी रहे हो आनंद बना, बाकी कभी कभार मन दुखा होता है, परिवार में ऐसा कभी कभी मन में झगड़ा ना होता हो, हमारा भी होता है घर में, श्रीमती के साथ बहुत हो जाता है देखा, और मैं सामने भी थोड़ा छोटा हूँ कि इसको मैं कहा फेंक के आ जाऊं, फिर कल सुबह बन जाती है मेरे पास। कल एक लड़की आई तो उनके दोनों आदमियों में बिल्कुल पटली नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं, जैसे कहते हैं कि मतलब ये भी नहीं कि वो कैसे जी होगी उस घर में मुझे पता नहीं। तो उस लड़की ने मुझे ये कहा कि मेरा आदमी तो ठीक नहीं था लेकिन जिंदगी भर मेरी सास और ससुर बहुत बढ़िया रहे, सास और ससुर मेरी बहुत बढ़िया रहे, बोला मेरा मन ही नहीं करा कि इनको छोड़ के कहीं जाऊं मैं, भले बोला पति के साथ खटपटी रही गई पूरी जिंदगी भर, अब कह रही थी कि सास भी चले गई ससुर भी चले गए मैं जीऊंगी कैसे, बोला तो मैंने कहा तेरे बच्चे हो गए उनसे जी, लेकिन घरों को तब आमद करो, अब देखे तेरी बेटी आ गई हमें भगवान गणेश जी के स्वर्ग, कोई बेटी बेटा सभी एक समान है यार आनंद है सब, अब इसको देख ले तो एक ही चीज बोली मैंने उसको कि तूने तो पट्टा रखना है, वो तो आ गई है तो पट्टा लेके आ गए वो भी कि मैं याद है उसको कि यार हमको ये ये कल इनके अंदर ये रखने को पता नहीं था कि किस लिए ये जो हमारा मतलब हमारा जो इनके अंदर वो गया क्या कहते हैं ज्ञान दिया संस्कार, अब वो कभी वो जब तक ये शरीर रहेगा उसको कभी वो इन संस्कारों से बाहर निकल नहीं पाएगी, उसके अंदर बैठेगा उस संस्कार कि मैंने मंदिर में जाना है तो कुछ लेके जाना है, मैं तभी पता नहीं था कि मतलब ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल क्या बोल रहा है यार, और मैंने उसकी मौसी ने दिया कि अब अभी देखो एक लड़की है वो कम से कम हजारों को सिखाएंगे अभी तो रमन जाना का मंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग कर जग हरता जग पाता, ओम हर 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 महादेव, त्वमेव ंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मां भवानी सहितं नमामि, नीलांबुजं स्यां मलिकोमलाङ्गं सीतासेमारोपितभामभागं पाण्डोमहासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देवं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। पहले बाहर से परिक्रमा जी।
पूजा हुई संपन्न, आ गए हैं हम लोग घर पे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहा।